गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइज हाइडोस 380 और रियल क्रिकेट 21 और गाइज WCB3 से रिलेटेड क्रिकेट न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गाइज वो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको तो पता ही गाइज जो रियल क्रिकेट 21 है, इससे काफ़ी सारी सैड न्यूज़ इस गेम से निकल कर आ रही है गाइज। तो मैं एक न्यूज़ जो लेके आया हूँ ना आपके लिए गाइज, वो है एकदम आपको मतलब खुश कर देगी, क्योंकि गाइज जो ये गेम है ना, इसकी कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अभी पता नहीं चली है, पर मुझे जहाँ तक लगता है गाइज, मुझे जहाँ तक लगता है ये गेम आपको T20 वर्ल्ड कप के टाइम मिल सकता है गाइज। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि गाइज उस टाइम क्रिकेट का क्रेज़ है ना गाइज काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको तो पता ही गाइज जो नॉटिलस मोबाइल कंपनी है, वो अपना जो न्यू गेम रिलीज़ करती है या अपडेट करती है बड़ा, तो गाइज वो हमेशा अप्रैल में या मार्च में करती है, क्योंकि उस टाइम IPL चल रहा होता है और क्रिकेट का क्रेज़ सबसे ज़्यादा होता है गाइज। और इस बार IPL पोस्टपोन होने के बाद क्रिकेट क्रेज़ बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो मुझे जहाँ तक लगता है अक्टूबर नवंबर में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो गाइज मुझे लगता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज़ होने वाला है, तो शायद उस टाइम आपको ये गेम मिल जाए गाइज। ज़्यादातर चांसेस तो है, कोई ऑफिशियल रिलीज डेट तो नहीं निकल के आई है गाइज, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ शायद ये उस टाइम मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके न्यू फीचर्स पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। तो गाइस जो सेकंड न्यूज़ निकल के आती है, तो गाइस हाइडोस 380, तो गाइस जो हाइडोस 380 है ना, एक पावर पैक्ड क्रिकेट गेम होने वाला है। मैंने इसका ऑफिशियल ट्रेलर का फुल रिव्यू भी किया था, तो गाइस उसमें काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स मिली थी आपको, और एक बीस्ट मोड 2.0 ऐसा भी कुछ था, बीस्ट मोड 2.0 और भी काफ़ी सारे फीचर हैं। और गाइस आपको ये गेम बहुत ही जल्द मतलब 5 डेज़ के अंदर आपको गेम मिल जाएगा, अगर आप ऑफिशियल हाइडोस 380 पावर वेबसाइट पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप वहाँ से प्ले रजिस्टर कर सकते हो गाइस, और ये गेम आपको 5 डेज़ के अंदर मिल सकता है। वैसे ही आपको ये गेम पहले ही मिल जाता है, पर गाइस कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था, कंपनी ने बोला कि ये पोस्टपोन हो चुका है, तो आपको थोड़ा गेम बाद में मिलने वाला है। तो गाइस अब ये हो सकता है दोबारा कि शायद पोस्टपोन हो जाए, पर मैं नहीं चाहता ऐसा हो और गेम आपको 5 डेज़ के अंदर मिल जाए गाइस। काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स के साथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो ये गेम है ना, इसमें आपको इंग्लिश कमेंट्री मिलने वाली है, जो भी काफ़ी अच्छे कमेंटेटर की, तो गाइस और काफ़ी अच्छा गेम हो जाएगा गाइस। तो अब जो थर्ड न्यूज़ निकल के आती है गाइस, वो है गाइस WCB3। तो गाइस आपको तो पता ही गाइस, WCB3 और हाइडोस 380 क्रिकेट गेम है, इन दोनों की जो डेवलपर है वो एक ही कंपनी, क्रिएटिव मंकी गेम्स। तो गाइस जो क्रिएटिव मंकी गेम ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया था 2020 दिसंबर में, वो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था गाइस, उस टाइम इनका आखिरी पोस्ट था WCB3 को लेकर। तो गाइस उसके बाद इन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं किया है, शायद मुझे लग रहा है कंपनी यहाँ भी हाइडोस 380 पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ना कि WCB3 पे। तो गाइस कंपनी को बोलना चाहिए और उनके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स है गाइस, वहाँ पे बोलना चाहिए गेम के बारे में WCB3, क्योंकि जितना जल्दी इसका क्रेज़ बढ़ेगा तभी कंपनी कुछ न्यू पोस्ट करेगा, उसके रिलीज डेट और फीचर्स की बात कर सकती है कंपनी। अभी तो गाइस हाइडोस 380 पे ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनी, और हाइडोस 380 पे तो न्यूज़ बता दिया, तो WCB3 के बारे में ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, क्योंकि आपको पता ही गाइस जो कोरोना की वजह से काफ़ी सारी जो क्रिकेट गेम्स की कंपनी है गाइस वो शायद